नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Apple iPad Mini 6 Wi-Fi Plus Cellular versus Apple iPad Air 2020 Wi-Fi Plus Cellular का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोनों टैब के डायमेंशन की। दोनों टैब की लेंथ की बात करें तो iPad Mini 6 में 7.69 इंच जबकि iPad Air 2020 में 9.75 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो iPad Mini 6 में 5.31 इंच जबकि iPad Air 2020 में 7.03 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो iPad Mini 6 में 0.25 इंच जबकि iPad Air 2020 में 0.24 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो iPad Mini 6 में 297 ग्राम्स जबकि iPad Air 2020 में 460 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि iPad Mini 6 से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों टैब में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो iPad Mini 6 में 8.3 इंचेस जबकि iPad Air 2020 में 10.9 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन iPad Mini 6 में 1488x2266 और iPad Air 2020 में 1640x2360 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो iPad Mini 6 में 77.57% जबकि iPad Air 2020 में 81.07% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो iPad Mini 6 में 327 पिक्सल प्रति इंच जबकि iPad Air 2020 में 264 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब बात करते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स की जो कि टैब का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो iPad Mini 6 में एक कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है और iPad Air 2020 की बात करें तो इसमें भी हमें एक कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो iPad Mini 6 में 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और iPad Air 2020 की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो iPad Mini 6 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और iPad Air 2020 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो टैब में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो iPad Mini 6 में Apple GPU 5 Core Graphics जबकि iPad Air 2020 में Apple GPU 4 Core Graphics मिलता है। चिपसेट की बात करें तो iPad Mini 6 में Apple Bionic और iPad Air 2020 में Apple Bionic मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों टैब में सेम ही दो वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों टैब में सेम ही 4 GB की RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों टैब में सेम ही दो वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों टैब में सेम ही 64GB 256GB की स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों टैब में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो iPad Mini 6 में iPadOS V15 जबकि iPad Air 2020 में iPadOS V14 देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो iPad Mini 6 में 4 कलर्स जबकि iPad Air 2020 में 5 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो iPad Mini 6 में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ ₹60,900, 4GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ ₹74,900 में मिल जाता है। वही अगर बात करें iPad Air 2020 की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ ₹66,900, 4GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ ₹69,900 में मिलते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो
Apple iPad Mini 6 Wi-Fi Plus Cellular में 6 फायदे और 8 नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करें Apple iPad Air 2020 Wi-Fi Plus Cellular की तो उसमें 2 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों टैब सेम ही है। मेन कैमरा में दोनों टैब सेम ही है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों टैब सेम ही है। परफॉर्मेंस में दोनों टैब सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे टैब को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर टैब की बात करें तो उसमें Apple iPad 10.2 2021 Wi-Fi है, दूसरा Lenovo Tab P11 Pro है, तीसरा Lenovo Yoga Tab 11 है और लास्ट कॉम्पिटिटर टैब की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy Tab S7 Plus है। और ये सारे टैब की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।